प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 2 मई 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में भी कई सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। नई बहाली को लेकर के भी कुछ अपडेट्स होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपडेट देने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,700 के पोस्टिंग के रिगार्डिंग में। जल्द ही आप लोगों को नियुक्ति मिलने वाला है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आरजेडी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, आप ये पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पर आरजेडी का साइन है, यहाँ पर देखिए रोजगार के अवसर आपके द्वार, बिहार में 10,700 एएनएम के पदों पर होगी नियुक्ति। अब इसके बारे में अपडेट दिया गया है और यह ऑफिशियली यहाँ पर ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसका मतलब ये आप लोग समझ लीजिए कि जो प्रक्रियाएं यहाँ पर चलने वाली है आगे आने वाले समय में, अब इस बहाली पर ध्यान दिया जा रहा है और जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस बहाली को कंप्लीट किए जाने के संबंध में ये होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश आ चुका है, आप लोगों ने कई सारे अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा अपडेट। जो बहाली है वो 2018 के नियमावली के अनुसार किया जाएगा, हाई कोर्ट के डबल बेंच के माध्यम से ये फैसला आ चुका है। आप अखबारों में भी अपडेट पढ़ सकते हो कि सूबे में जो 10,700 एएनएम का बहाली है उसका रास्ता साफ हो चुका है और प्रक्रियाएं अब आप लोगों को चालू देखने को मिलेगा। और उसके तुरंत बाद यहां पर आप देख सकते हो आरजेडी के ऑफिशियली यहां पर ट्विटर हैंडल से एक तरीके से ट्वीट किया गया है, जहां पर कि बता दिया गया है कि 10,700 एएनएम की नियुक्ति जल्द से जल्द होगी, यानी कि इन लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग की बात की जा रही है। सबसे पहले काउंसलिंग कब तक हो सकेगा, तो अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, अभी जैसा कि लगातार आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट्स करें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, किन्हीं को भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत जाइए, आपका मूल्य अधिकार है, आपका जो अधिकार है वो आप लोग भी जानते हो, आप लोग जा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा कि बहाली जो यहाँ पर 2022 में ही निकाली गई है और वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहाली अगर ये कंप्लीट हो जाती 2023 में तो आपको देखने को मिल जाता कि 2024 में वैकेंसी नई आ जाती, और उसमें तो आप ये मान के चलिए अब जो भी नई बहाली आएगी उसमें तो 2023 का नियमावली लगेगा ही लगेगा, वो आपको ही पता है। तो ये मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आप लोगों का जो यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, कोई भी दोहराए नहीं है, आप जाइए, आप लोगों का इंडिपेंडेंट है, मुझे कुछ नहीं आप लोगों को कहना है। लेकिन एक बार ये सोचिए, अंततः यानी अंतिम में 10,700 लोगों का ही नौकरी होना है। अब बहुत सारे लोग को ये एक तरीके से मिथ है कि 30,000 लोगों का नौकरी हो जाएगा। अगर जो अभी प्रक्रिया चलेगा 2018 के भी नियमावली के अनुसार, तो वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 30,000 लोगों का आया जरूर है नाम यहाँ पर स्क्रूटनी में, लेकिन नौकरी होगा 10,700 का ही। इसमें आपको कुछ संविदा हो जाएंगे, हजारों की संख्या में संविदा स्टूडेंट्स है। फ्रेशर को भी मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि फ्रेशर को मौका नहीं मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा, वहां पर भी नौकरी होगी। और यहाँ पर भी आपको पता होगा एग्जाम क्वालिफाइड की बात किया जाए तो 8,000 कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम पास हुए थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही कम यूट्यूबर आपको बताते हैं, अब ये जरूरी नहीं, ये भी नहीं है कि 8,700 के सभी को नौकरी हो जाए, क्योंकि सभी कैटेगरियों में विभिन्न विभिन्न यहाँ पर आप देख पाइएगा, जैसे कि जनरल में कुछ सीट है, मान के चलिए 3500 सीट है, लेकिन वहाँ पर पास हो गए हैं 4,000, तो 4,000 पास हो गए तो उनमें 500 को हटाया ही जाएगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब ये नहीं होगा कि जनरल को एसटी में डाल करके ले लिया जाएगा, ये सभी चीज़ें नहीं होते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट बाहर किया जाएगा। तो अब देखिए, जो भी प्रक्रिया से लेना है 10,700 को ही नौकरी होगा। अब देखना ये होता है कि क्या होने वाला है दोस्तों आगे। इसके बाद अपडेट देने वाले हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं सीबीटी एग्जाम वालों, उन लोगों के लिए देखिए कुछ यहाँ पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। बिहार सरकार से अनुरोध है कि 2022 की एएनएम की यहाँ पर वैकेंसी प्रतियोगिता परीक्षा
हमें पास 10,700 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द उनका अधिकार दिया जाए। अगर देखिए, मैं शुरुआत से ही कहता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप उनके पक्ष में बोलते हो, आप उनके पक्ष में बोलते हो। देखिए, अगर आप दो कोई भी आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप दोनों का समस्या को समझिएगा, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो यहाँ पर अगर आप दोनों में से किसी भी संविदा का या फिर समझिए या फिर क्वालिफाई का समझिए, लगभग दोनों अपने अपने पॉइंट्स पर सही है, लेकिन जो अब जजमेंट दिया गया है हाईकोर्ट के माध्यम से वो सर्वोपरि है, वो आप लोग को मानना होगा जो भी जजमेंट दिया गया है। तो ये सभी बातों को आपको समझना होगा। तो इनके द्वारा यही मांग किया जा रहा है कि 2000 जो 23 का नियमावली है उसी के अनुसार बहाली को किया जाए, जो क्वालिफाइड है, जिनके पास योग्यता है इस नौकरी को, उनको दिया जाए। यहाँ पर पूरा अपडेट आप लोग देख सकते हो, कुछ तस्वीर यहाँ पर लगाए गए हैं और कुछ हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। तो यही कुछ अपडेट्स देना था BTSC ANM 10,700 की रिगार्डिंग में। इसके बाद बात करेंगे नई वैकेंसी को लेकर के। तो यहाँ पर अपडेट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना अपडेट नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर 127 डॉक्टरों को प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है, यहाँ पर वो अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर पढ़िएगा तो गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग में जल्द करेंगे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अस्पतालों में नियुक्ति, यानी कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही वैकेंसी निकालने वाला है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, अस्पतालों के लिए नियुक्ति के लिए। तो ये यहाँ पर बात किया गया है, ज़्यादातर यहाँ पर बात किया गया है डॉक्टरों की वैकेंसी को लेकर के, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 220 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा भेज दी गई है। यानी कि नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिलने वाला है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाला जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इन लोगों का यहाँ पर नौकरी के लिए निकाली जाएगी, जैसे कि गार्जियोलॉजिस्ट, यहाँ पर शिशु रोग सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, और भी यहाँ पर सभी यहाँ पर आप लोग पढ़ पाइएगा क्या क्या चीज़ के लिए वैकेंसी आने वाली है स्वास्थ्य विभाग के अधीन में, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को देना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।